ये लोग बोलने का मौका नहीं दे रहा है, हमारी जो राइट्स है वो राइट्स को काटल कर रहा है। जिस तरीके से असेंबली को अपने पार्टी ऑफिस बना दिया है, ये सब डिस्कशन करने के लिए राजी नहीं है ये लोग। हम लोग का 16 एलिगेशन है अगेंस्ट ऑनरेबल स्पीकर, वो 16 एलिगेशन बहुत वैलिड है, लेजिटिमेट है। उसका ऊपर 4 घंटा 2 घंटा 6 घंटा का एक डिस्कशन होगा, उसका बाद वोटिंग होगा। वोटिंग वो लोग का पास 200 से ज़्यादा है, हम लोग का पास 70 के आसपास है, नतीजा सबको मालूम है। लेकिन ये लोग डिस्कशन करने के लिए भी अपने मकसद नहीं है, ये लोग का इरादा यही है जो डिस्कशन होगा सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया में सब आ जाएगा, कितना घटिया काम ये कर रहा है। यहाँ का स्पीकर ऑपोजिशन बीजेपी का बात तो छोड़ दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को ये स्वीकार नहीं करता है, 10 शेड्यूल का अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको भी ये बार बार नकार कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, इसको अमल नहीं दिया है। ये सब डिस्कशन में आ जाएगा। वो बोल रहा है मुकुल राय बीजेपी में है, कृष्णा कल्याणी बीजेपी में है, विश्वजीत दास बीजेपी में है। ये लोग बाहर में टीएमसी का झंडा पकड़ के कैंपेनिंग कर रहा है। विश्वजीत दास एक जिला का अध्यक्ष है, पार्टी का मिचिल में जा रहा है, मीटिंग में जा रहा है, झंडा लेकर भाषण दे रहा है, और अंदर में ये लोग बीजेपी है, बाहर में तृणमूल है। ये मुकारी ऑफ डेमोक्रेसी जो चल रहा है बंगाल में, इसको खत्म करने के लिए बीजेपी का जो जंग वो आगे भी जारी रहेगा। और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन और विधानसभा का जो गरिमा है उसका रक्षा करने के लिए अंदर बाहर दोनों में हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। सरकार का दावा है आवास योजना में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है केंद्र सरकार। कौन सरकार का दावा? पश्चिम बंगाल सरकार का दावा, उसको दावा छोड़ दीजिए। दादा पीएम वो गांव में जाइए, गांव का आदमी इसका सही जवाब दे देगा। शारदा स्कैम में 10 साल से कोई, ये देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था उसमें सीधा था हु इज द लार्जर कॉन्स्पिरेटर। लार्जर कॉन्स्पिरेटर मीन्स मनी ट्रेल किस में हुआ है, ममता बनर्जी ने मेन बेनिफिशियरी, वो उन्होंने उनकी रेल मंत्री का रेल का साथ शारदा टूर एंड ट्रैवल का एग्रीमेंट हुआ, शारदा का रुपया जागो बांग्ला में, शारदा का रुपया चीफ मिनिस्टर का रिलीफ फंड में, सीधा सीधा मिला भगत। डेलो में गौतम कुंडू और सुदीप्त सेन के साथ मीटिंग, ममता बनर्जी शुड बी बुक्ड बाय द सीबीआई, और 3 करोड़ गरीब लोग का रुपया, ये रुपया भी वापस देना चाहिए। ममता बनर्जी काल खत लिखा, सबसे घटिया और टेंटेड पॉलिटिकल पर्सन है ममता बनर्जी। दादा एडीआर की रिपोर्ट, सी इज कोरप्टेड, सी ओनली थिंकिंग हर फैमिली, एंड एपीजमेंट इज द मेन एजेंडा ऑफ ममता बनर्जी। दादा एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है और उसमें देखा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस देश में सेकेंड रिचेस्ट पार्टी बन गई है, और उन्होंने कांग्रेस को भी बाईपास कर दिया है, और उनकी जो ज्यादा इनकम है वो इलेक्टोरल, ये सब चोर का रुपया है, ये गाय तस्करी, कोल स्मगलर, सैंड स्मगलर, स्टोन स्मगलर, सबका रुपया है, एक्साइज से भी मिला है। इसका खिलाफ सेबी और इनकम टैक्स को छानबीन करना चाहिए, और कौन कौन इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर रुपया दिया है ये सामने लाना चाहिए। बंगाल की एक वाइन जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसका नाम है आईएफबी, आईएफबी ने सेबी को खत लिख के बताया हम लोग 2021 में ये गवर्नमेंट आने का बाद 2022 तक एक साल में 40 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर टीएमसी को दिया। ये सब शराब का रुपया है, डीआर लॉटरी का रुपया है, ये मार्टिन का रुपया है,
सब मार्टिन और डीआर का जो नागराज का लॉटरी है उसका रुपया है, उसका इलेक्टोरल बॉन्ड है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।